हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, कमर में बहुत दर्द हो रही है। मैं धूप में हूँ और यहाँ पे मेरे को दाना हो गया, पता नहीं क्यों हो गया दाना, समझ में नहीं आ रहा दाना क्यों हुआ मुझे। ये इधर धूप है, अभी कभी मैं धूप में आ जाती हूँ, कभी मैं ऐसे छाँव में चली जाती हूँ, मैं इधर लेट भी लेती हूँ। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कमर में बहुत दर्द है। दो बजने वाले तो है, हाँ 1:45 के करीब हो गया होगा टाइम, और मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाला, तो मैं वीडियो नहीं डालूँगी तो मैं तरक्की कैसे करूँगी। अब मैंने ये सोचा अगर मेरे चैनल कैसे चलेगा अगर मैं वीडियो नहीं डालूँगी तो कुछ भी। फिर एक मैं ये सोचती हूँ कि मैं वीडियो सब्जी वाले आ रहे हैं बार बार अगर मैं वीडियो नहीं डालू, मैं घर घर भी किस चीज़ की वीडियो बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। रोज़ रोज़ अगर मैं किचन में ही वीडियो बनाऊँगी तो देखने वाले भी बेचारे मेरे थोड़ा सा पक जाएंगे, तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, थोड़ी सी बतिया लेती हूँ। अदरक नींबू नहीं लेना भाई, नहीं लेना, धूप में बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चे गए हैं ट्यूशन में, ये मुझे बहुत दिया कहती मम्मी ये क्या हो गया, इनके बेटे दाना हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, मुझे समझ ही नहीं आती क्यों हुआ। यहाँ पे कई दिनों से हो रखा है मेरे को, अब तो शायद ठीक हो रहा है इसमें, है ना, अब ये ठीक हो रहा है, ये बंद हो गया, अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा है शायद। हवा बहुत तेज़ चल रही है, सुबह तो धूप नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज धूप निकलेगी ही नहीं, बट निकल गई है, निकल जाती है। बस सुबह सुबह है ना भगवान जी हमें डरा देते हैं कि हाँ धूप नहीं आएगी और कल कपड़े धोने हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है। कल वैसे भी जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, जब मैं कपड़े धोती हूँ तभी मौसम ख़राब हो जाता है, तो फिर मेरे कपड़े धुले हुए अगले दिन सूखते हैं। और मैंने ना सिर में मेहंदी भी लगानी थी और मैं लगा नहीं रही हूँ, ठंड में मेहंदी लगाने का मन नहीं कर रहा। और क्या करें, कहाँ जाए, हवा में कहीं जाए, मेरी एक्टिवा भी नहीं चल रही ना। मैंने बोला था राजू को, राजू के पास टाइम नहीं है मेरी एक्टिवा का इंश्योरेंस करवाने का, पोल्यूशन भी करवाना है, इंश्योरेंस भी मैं कई बार बता चुकी हूँ वो भी करवाना है, तो उनके पास टाइम नहीं है अभी, तो कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी ऑफिस कभी चंडीगढ़, ऐसे ही चलता रहता है राजू का। कल हमारे घर कोई आ गया था गाँव से, ससुराल से, तो फिर वो सुबह ही आ गए थे, आने के बाद फिर वो शाम को राजू को कुछ काम करवाना, वो राजू से भी मतलब मेरे हस्बैंड से, मैं हस्बैंड को राजू बोलती हूँ, तो उनका कोई काम करवा रहे थे, तो काम करवा के फिर शाम को आए थे, बस फिर ये हुआ। तो कश्मीरी बड़े आ रहे हैं ना शॉल वॉल लेके आजकल, शॉल वाला सूट वाला, अब कह रहे हैं कि शायद 1 फरवरी से बच्चों के स्कूल लगने शुरू हो जाएंगे, अब पता नहीं लगेंगे या नहीं लगेंगे। कह रहे हैं कि 1 फरवरी से 5th क्लास से शुरू होंगे, 9th से तो अभी शुरू है, 9th से प्लस 2 तक, तो 1 फरवरी से कह रहे हैं कि 5th क्लास से शुरू होंगे। फिर अगर शुरू हो गए तो फिर बेटा जाएगा, बेटी नहीं जाएगी, दिया घर में अकेली फिर बोर होएगी, देखते हैं क्या होता है। देखो वाइट वाला आ गया, कहाँ है ये, देखो ये यहाँ पे आगे ट्यूशन से, मुझे लगता है बच्चे आगे ट्यूशन से, हाँ आवाज़ें आ रही है उनकी हंसने की। तो ये मेरे छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, और फिर मिलती हूँ एक छोटे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।